गंगा सप्तमी के दिन कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से ये दिन काफी पावन माना गया है। चूंकि माँ गंगा को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी माना गया है, ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व होता है। ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के साथ मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वैशाख मास चल रहा है, जिसके देवता भगवान विष्णु हैं। इसलिए माँ गंगा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी इस दिन आराधना की जाती है। सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में पर्व की तरह मनाया जाता है। जिस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उस दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। इस माह ये पर्व 7 मई शनिवार को मनाया जाएगा, जिसका आरंभ 7 मई 2022 शनिवार दोपहर 2:57 से शुरू होगा। वहीं इसका समापन 8 मई 2022 रविवार शाम 5 तक हो जाएगा। आइए अब जानते हैं गंगा सप्तमी के दिन किन विशेष बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में गंगा नदी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व और अधिक शक्तिशाली गंगा जल का माना गया है। कहा जाता है कि गंगा जल के उपयोग से व्यक्ति के दुख, रोग, शोक सभी नष्ट किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे वक्त से किसी रोग से पीड़ित है, तो उसे रोजाना अपने स्नान वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि गंगा जल से घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है। ऐसे में कुछ दिन लगातार अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। अगर किसी व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं, जिससे उसे रात में नींद लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसे में वो व्यक्ति अपने बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव करे। मान्यता है कि ऐसा करने से डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं और गंगा जल के स्पर्श से नींद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इस वीडियो में आपने गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन किन चीजों को करने से बचना चाहिए, इस विषय पर जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा गंगा सप्तमी से जुड़ी व्रत कथा या पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप श्री मंदिर के ऐप पर जाकर जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।